For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. मैं सिब्बियार रहती थी और मेरे घर में तेजा फेंक फेंक आग लगा रहे थे और हम सब लोग रात भागे, बहुत आग जल रही थी, बहुत डर गए थे। और फिर सब लोग बच्चे अच्छे ऐसे ही लेके कुछ नहीं ला पाए, कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं, ऐसे ही बच्चे ले ऐसे ही भाग चले आए। मैं वही रोती चीखती रही और बहुत कुछ करती रही। मेरे सब बच्चे मैंने ऊपर जाके कमरे में बंद कर लिए, मेरे घर सब तोड़ दिए, पड़ोस में सब मैं घर में आग लगा दी, कुछ नहीं छोड़ा। पचास साठ बंदे हमारे घर के आसपास आए और वहाँ पर कह रहे जय श्री राम के नारे लाओगे तो रहोगे, नहीं तो यहाँ नहीं रहोगे और यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो गोधरा कांड बना देंगे। दुनिया भर की उन्होंने बातें करी, उनके हाथ में डंडे थे, तलवारें थी और इस तरीके से कुछ देर उन्होंने बोला और वहाँ से गायब हो गए। उसके बाद मंगल को भी हमला हुआ हमारे पास और सिलेंडर फाड़े गए, घरों में आग लगाई गई, खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी हो रही थी और नकाबपोश आदमी थे, कुछ इलाके के भी होंगे जो हमें पता नहीं है, ढाटा बांधे हुए थे। मस्जिद में तीन तीन सिलेंडर फोड़े और सब मस्जिद भी मेरी तीनों जलाई थी, मदरसा भी जलाई थी। पुलिस भी नहीं थी, कोई नहीं था करने वाला, काटो इन्हें मारो, काटो इन्हें मारो, भागना भी भारी पड़ गया, सांस फूल फूल जा रही भागते भागते, बहुत बुरा हालात थे। पुलिस वाले भी नहीं थे, हम लोग रात भागे भागते ना तो हम लोग जल जाते। इन्हें चमन पार्क वालों ने मदद करी, निखार के लाए मुझे, सब जय करते हैं, वो कुछ पुलिस वालों को फोन करते वो भी नहीं आते हैं। घर हमारा ही था वो, और अब घर नहीं रहा, मेरा सब घर बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं रहा मेरा। फिर तो पूरी रात काली ऐसी हुई है, पूरा लाल था पूरा बिहार, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बड़ी मुश्किल में आग में से निकल के आई, मैंने पहली बार मौत देखी अपनी जिंदगी में, पहली बार झगड़ा देखा, ऐसा कभी नहीं देखा। को अपने घर वालों को निकालने गई, लिए गया था शिवबिहार में और वहाँ पे पब्लिक ने मुझे बहुत मारा और मेरी गाड़ी में भी आग लगा, बहुत ज़्यादा मारा, कमर पे भी पूरे निशान आ रहे हैं, डंडे डंडे खूब बजाए मेरी कमर पे, वो तो जान से मारने वाले थे लेकिन पता नहीं क्या किस्मत ने साथ दिया जो मैं वहाँ से निकल गया। कैमरे लगे थे उन्होंने लगवाए थे, केजरीवाल ने कुछ घर वालों ने लगाए थे, हमारे खुद के लगे थे, वो सारे उतार लिए उन्होंने। शादी के लिए पैसे जोड़े कि घर रहने के लिए घर बनाए कि बच्चे पालें, कपड़े वपड़े सब कुछ नहीं लाए, ऐसे ही जे कपड़े पहनाए सो जे ऐसे भाग भागे मुश्किल। मेरी बेटी देखो क्या हालत करी, ऐसी मैं बच्ची को अपनी लेके आया, पढ़ाई भी मार दी, स्कूल भी जला दिया, पेपर मार दी, मेरी बच्ची पूरी साल पढ़ाई खराब हो गई है, मैं क्या करूँ। बच्चे रो रहे तड़फ रहे हैं, कह रहे अम्मी घर चलो, कैसे जाऊँ घर पर। इधर भी एक हिंदू का घर है, इधर भी एक, बीच में मुसलमान का घर है वो जलाया गया है, बीच में हिंदू का घर है वो किसी ने नहीं जलाया। अगर बाहर के लोग आते तो वो उन्हें क्या पता ये कौन सा हिंदू का घर है या कौन सा मुसलमान का घर है कि हम किसका घर जलाएं किसका ना जलाएं। घर सब बस्ती एक होती है, हिंदू मुसलमान सब मिलजुल कर रहते हैं, रहते चले आए, मुझे 30 साल हो गए सिब्यार में रहते हुए, मैंने कोई भी ऐसा हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं देखा। बड़ी दिक्कत साए निकल के, वो कह रहे गोली मारो इनके, मुसलमान है गोली मारो, जीतेंगे तब भी मारेंगे मुसलमानों को, हारेंगे तब भी मारेंगे, यह हिंदुस्तान में रहने नहीं देंगे मुसलमानों को। उस दिन जैसे ही हंगामा शुरू हुआ, मेरा सारा सामान और जितने भी दुकान में सामान थे, जितना भी चीज़ था, सबको लूट के ले गया सब, और सारा तोड़ फोड़ के रख दिया, और आपके सामने आप खुद ही देख रहे हैं। अब हमारे बाल बच्चों का अगर रोजी रोटी कैसे चलेगा, पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगा, हमको तो सबने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। हमने अभी अपने महल्ले में दो आदमी खो दिए हैं, हमारे दो आदमियों की वफात हो चुकी है, गोली लगने से वो लोग जो है शहीद हो गए हैं, और हमारे बहुत सारे और आदमी इंजर्ड हैं जिनको गोलियाँ लगी हैं,
ये समझ लीजिए कि हमारा जुर्म सिर्फ इतना ही है कि हम लोग मुसलमान हैं, इस वजह से लोग हमें इस धरती पर पसंद नहीं कर रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। बहरहाल प्रशासन से कई बंदों ने मदद मांगी लेकिन पूरी हेल्प नहीं मिली। 10-15 लोग आए और 10-5 मिनट के लिए आए और चले गए। चमन पार्क वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमारी हेल्प की और मदद की, और अभी खाने पीने का इंतजाम वही लोग कर रहे हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। सरकार से उम्मीद करता हूँ वो हमारी मदद करे। ये कब तक करेंगे चमन पार्क वाले? हड़दंग उठा, किसी ने बयान दिया, किसी ने सांप्रदायिक माहौल बनाया अपने जाति फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए, और उसमें पिसा कौन, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, पिसता वो आदमी है जिसका कोई कसूर नहीं हो। नेता को कोई एक बच्चा मर के दिखाए किसी भीड़ में, कोई एक नेता का बच्चा कभी कभी रिकॉर्ड बताए कोई कि उसका नेता का बच्चा वहाँ लड़ने गया था और वो मर गया। मरते हमारे आम लोग भाई हैं, और जिसका मरता उसके दिल से पूछो चाहे हिंदू हो या मुसलमान कि उसके ऊपर बीस थी क्या है।